आज हम गौमूत्र आदि कालीजीरी सार बनाने जा रहे हैं। ये गौमूत्र आदि कालीजीरी सार ये दवा मैंने ही बनाई है, ये कालीजीरी है, लेकिन ये इतनी अक्सीड दवा है, कैसा भी जीवलेन रोग होवे, कितना भी कैसा होवे, तो 25% काम तो रोग हटाने में ये एक ही दवा कर देती है। इसलिए ये दवा बहुत उपयोगी है। ये काली जीरी है, इसको जंगली जीरा भी बोलते हैं, काला जीरा भी बोलते हैं, काली जीरी इसको कहा जाता है। बहुत बढ़िया अक्सीड दवा है ये। गौमूत्र ना किया स्टील ने तो पहली माँ 1 लीटर गौमूत्र डाल दिया है। अब इसमें काली जीरी जो मिक्सर में पाउडर करके डालना है तो एक मिक्सर में पाउडर करके डाल रहे हैं। बर्तन थोड़ा छोटा है इसलिए 1-1 लीटर गौमूत्र डालेंगे और इसमें 4 लीटर गौमूत्र जला देना है। 4 लीटर, 500 ग्राम है काली जीरी तो इसमें 4 लीटर गौमूत्र जलाना है, लेकिन हमारे पास बर्तन छोटा है इसलिए 1-1 लीटर डालते रहेंगे। ऐसे 4 लीटर इसमें गौमूत्र पचाना है अग्नि पर, बिल्कुल धीमी अग्नि देना है, बहुत ज़्यादा अग्नि भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे धीमी अग्नि देना है थोड़ी थोड़ी। लगभग 1.5 घंटा होगा 4 लीटर गौमूत्र जलाने में, बिल्कुल जला देना है। ऐसे जला तुम धारा काम कर, हाँ ऐसे ही खरबदना चाहिए। 4 लीटर गौमूत्र डाल दिया है, अब धीरे धीरे सभी गौमूत्र को जला देना है। देखो अब सब गौमूत्र जल गया है, अब सभी कोई भेज भी अंदर नहीं रहना चाहिए, ऐसे गौमूत्र जलाना है। ये गौमूत्र का सब जल गया है, थोड़ा सा भेज है तो 5 मिनट रखेंगे तो वो भेज भी उड़ जाएंगे। बाद में उनको ऐसे ही अग्नि हटा लेने की है, अंदर जो चूल्हे में जो है अग्नि अंगारा उसको रहने देने का, और इसके ऊपर 1/2 घंटा ऐसे ही तपेला रहने देने का। बाद में उतार कर मिक्सर में डालकर पाउडर कर डालना है। अगर थोड़ा सा उतारने के बाद थोड़ा सा भेज रहे तो 1 दिन ताप में रख देने का, बाद में मिक्सर में डालकर बराबर पाउडर कर डालो। अब ये गौमूत्र आदि कालीजीरी सार तैयार हो गया है, इसको मिक्सर में डालकर बिल्कुल पाउडर कर दिया है। अब ये उनको कैसे लिया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे उनको ये चपटी बननी, यानी कि आधी चम्मच लेना है, ये आधी चम्मच लिया है, आधी चम्मच, ये आधी चम्मच पाउडर लिया है, और आधी चम्मच पाउडर में 2 ग्राम हल्दी डालनी है, जो सब्जी डाल साथ में डालते हैं ना, वो 2 ग्राम हल्दी डालनी है, और 0.5 ग्राम कायम फटकड़ी डालनी है, जो कायम फटकड़ी पानी जला सोस्ट करते बनाते हैं पाउडर के रूप में, वो गांधी पंसारी की दुकान से तैयार आपको मिल जाएगा। वो 0.5 ग्राम कायम फटकड़ी डालकर तीनों मिक्स करके
शहद के साथ आपको हर दिन में दो बार लेना है, सुबह में एक बार और शाम को एक बार ये दवा लेनी है। जिसको डायबिटीज़ है या तो शुगर है उनको शहद के साथ कभी नहीं लेने का, उनको या तो गौमूत्र के साथ लेना है या तो उनको गर्म पानी के साथ लेना है। डायबिटीज़ वाले के शुगर वाला कोई भी दवा कभी शहद के साथ मत लेना। जिसको डायबिटीज़ नहीं है शुगर नहीं है इसको ये दवा शहद के साथ लेना है। ये दवा कौन से रोग में अक्सर काम करती है ये मैं आपको बताता हूँ। आम जीर्ण, उस कब्जियात, उदर सूर, कमड़ों, पी श्वेत कणों वाली जो कमड़ी हो जाती है जो डॉक्टर भी हाथ ऊँचा कर देते हैं उसकी तो ये अक्सर दवा है। पी मंद ज्वर, बरोड़ वृद्धि, मेद वृद्धि, आम वृद्धि, पी शरीर फूलना, ये सभी रोगों थोड़े दिन में ही नष्ट कर देते हैं। आमाशय, आंतन बनने पाचन क्रिया सुधार में लाते हैं, उदर में कृमि का नाश करते हैं, लोहिमा भरेल पित्त की खटास को नाश कर देते हैं, समग्र पाचन क्रिया में सुधार ला देते हैं, लोही मेद मांस वगैरह सात ही धातुओं को भी दूषित जो होता है उसके में भी सुधार ला देते हैं। ऐसी यह दवा अक्सर है, इस सभी रोगों में इसी तरीके से आपको ये दवा लेनी है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि कोई भी जीवलेन रोग होवे, ये जीवलेन रोग में तो कैंसर है या कोई भी जीवलेन रोग है, जीवलेन रोग में 25% काम तो यही एक ही दवा करेगी। कैंसर वाले को यही दवा दिया करो दिन में दो बार, तो जो दूसरी दवा है वो भी चालू रखो, लेकिन ये दवा 25% काम कैंसर को मिटाने में ही करेगी। ये मैं दावा में बहुत लोगों को ये दवा दिया है, इसलिए कैंसर वाले रोगों को तो ये दवा दिया ही करो। घर पे बना लेने का बिल्कुल इजी है बनाने का। दूसरी डॉक्टर को यार आयुर्वेदिक डॉक्टरों जो कैंसरों का जीवलेन रोगों का इलाज करते हैं इसमें ये लोग ये दवा बना ले गए तो डॉक्टरों को बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, मरीजों को जल्दी अच्छा हो जाएगा, ऐसी ये दवा है। लेकिन ये दवा आप बना लेना, सामान्य घर वाले पर कोई भी किसी भी प्रकार का रोग नहीं हो और ये दवा लेगा तो भी उनका कोई भी रोग कोई आएगा ही नहीं, कोई भी कोई रोग होगा ही नहीं, ऐसी ये दवा है। पेट का तो सारा सभी कोई भी प्रकार का रोग नहीं रहेगा ये रोग दवा लेने से, जब तक अच्छा हुए 15 दिन लो, 20 दिन लो, 30 दिन लो, 2 मास लो, जब तक आपको अच्छा लगे तब तक ये दवा लो, लेकिन कम से कम 1 महीना तो मेरे ख्याल से लो ही ये दवा, 2 टाइम लो, 1 महीना तो कम से कम लो, रोगिष्ट भी लेवे और निरोगी भी लेवे, ये ऐसी है बहुत फलदायी दवा है।